की तरह सामना नहीं कर सकते हैं ना, या भाग जाते हो या आदमी को बांध कर उसे मारते हो। बहादुरी तुम मुझे सिखाओगे? हाँ बुज़दिल अलाउद्दीन। ठीक है तो फिर आ जाओ। अलाउद्दीन मत करो। असल बुज़दिल तुम हो मेहमत। मदद के लिए बढ़े हुए हाथ का बदला ये दिया है। तुमने हमें काफिरों को बेच दिया, अपनी बहन का सर झुका दिया। अलाउद्दीन रुक जाओ। क्योंकि तुम इस सबके मुस्तहिक हो अलाउद्दीन, समझे तुम? भाई अब तुम्हारा खेल खत्म है मत। हमारे दरमियान गोंजा है, इसलिए खुद को रोक के रखा। खुदा के लिए आप दोनों रुक जाएं। लेकिन नहीं, तुम नहीं रुके, नहीं रुके तुम। इस बार मैं नहीं रुकूंगा, नहीं रुकूंगा मैं। मत करो, मत करो, रुक जाओ। अलाउद्दीन ये जंग तुमने शुरू की थी, तुम आए तो मेरी जान लेने थे, मगर जान मैं तुम्हारी लूंगा और अपनी बहन को साथ ले जाऊंगा। गोंजा अपने शौहर के साथ रहेगी, मगर तुम जिंदा नहीं बचोगे। अलाउद्दीन गुंजा इस तरफ आओ मेरे साथ चलो। गोकमान 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 गुंजा, ये क्या किया तुमने? गोंजा, मैंने जो कुछ किया अपनी रियासत के लिए किया, और बहुत जल्द वो दिन भी आएगा अलाउद्दीन जब मैं तुम्हारी सरजमीन और अपनी बहन को तुम्हारे हाथों से ले जाऊंगा। अलाउद्दीन गोंजा, गोंजा तुम ठीक हो ना? अलाउद्दीन ये शख्स मेरा भाई नहीं था, हमें फरोख्त कर दिया, हमें काफिरों को बेच डाला उसने। अलाउद्दीन पुरसुकून हो जाओ। अलाउद्दीन मेरा कोई नहीं है, मेरा कोई खानदान नहीं है। अलाउद्दीन मेरा कोई नहीं है। अलाउद्दीन मेरा कोई नहीं है। ये क्या कह रही है तुम? मैं हूं ना तुम्हारा, क्या मतलब इस बात का? मैं तुम्हारे साथ रहूंगा, मैं तुम्हारा साथ कभी नहीं छोड़ूंगा। क्या किया ये भाई आपने? परिंदा भी पर ना मार सके आई कुर्ता। जो आपका हुक्म शहजादे।
औरान होलो फिरा तो यानी के हमारी हर मुलाकात की शुरुआत इसी तरह होती है। सलामत रहो। उस्मान साहब ठीक है ना? कुस्तंतीन ने उनके लिए जाल बिछाया था। मालूम है, उसके बिछाए जाल से बाबा बाहिफाजत बच गए। हाँ, मगर वो कुस्तंतीन, उसने उस्मान सरदार के गजब से अपना नसीब हासिल कर लिया। होलोफिरा, क्या वाकई? होलोफिरा, हमने तुम्हारे बाबा का और तमाम मजलूमों का इंतकाम ले लिया, यानी कि वो मर चुका है। तुम्हें यहाँ आने की क्या जरूरत थी? सिपाहियों के हाथों ही खबर भिजवा देते। हमने अपना फर्ज निभाया है होलोफिरा, और मैं तुम्हें यहाँ से ले जाने के लिए आया हूँ। ले जाने के लिए मुझे? लेकिन कहाँ? बाबा चाहते हैं कि तुम्हें हिफाजत वाली जगह पर ले जाया जाए। अगर तुम हमारे कबीले में नहीं रहना चाहती तो हम तुम्हें किसी और शहर में महफूज जगह पर ठहरा सकते हैं। हमारे ताल्लुक के बारे में जो कोई भी जानता था मर चुका। अब यहां पर महफूज हूं मैं औरान, और फिर यहां पर मेरा काम भी खत्म नहीं हुआ। कुस्तंतीन तो मर गया है, मगर उसके वालिद अभी तक जिंदा है। वो तो इसीलिए मुझे कुस्तंतुनिया जाना पड़ेगा औरान। आज से उनसे इंतकाम लेना ही मेरी जिंदगी का मकसद है। हाँ, मगर जहां कहीं भी होंगी मैं उस्मान साहब की खिदमत जारी रखूंगी। शुक्रिया, मगर तुम्हें यह सही लगता है और तुम मेरे साथ नहीं आना चाहती तो यकीनन पीछे नहीं पड़ूंगा मैं। रोकना भी नहीं चाहिए औरान, यही तकदीर है। तुम्ही ने कहा था कि हमारी तकदीर हमें एक दूसरे के पास लाई थी, तो उसी तकदीर ने हमें जुदा किया है। इसलिए अब तुम्हें अपनी जौजा के पास लौट जाना चाहिए। अगर तुम खुश रहोगे औरान, तो मैं भी खुश रहूंगी तुम्हारी खुशी में। तुम्हारा मुस्कुराता चेहरा कभी भी जर्द ना पड़े होलोफिरा। मैं अगर तुम्हें ना भी देखूं तो भी तुम इंशाल्लाह हमेशा खुश रहोगी। अब जाओ यहां से। वरना मैं रो दूंगी। चला जाओ। चलो। अब चले जाओ औरान। अलविदा।
बहुत शुक्रिया। शुक्रिया शुक्रिया, खुश रहे खुश रहे। उस्मान सरदार जिंदाबाद, उस्मान सरदार जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया जनाब, आप ठीक हैं? ठीक हूँ बाला, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ। बाबा? फातिमा बेटी, ठीक हूँ मैं, ठीक हूँ मैं। एलचिम, तुम्हारे वालिद का खून रहेगा नहीं गया, कुस्तुंतीन को जहन्नम वासल कर दिया हम लोगों ने। जीते रहिए, खुश रहिए। शुक्रिया उस्मान सरदार, बहुत शुक्रिया। मगर औरहान साहब नजर नहीं आ रहे, ठीक तो हैं? वो होलोफेरा की तरफ गया है, तुम जानती हो कि उसका राज अफशा हो गया है। शुक्रिया उसका, होलोफेरा की वजह से हमें कामयाबी मिली है। आ, आ, उसका सरतन से अलग कर दिया जो हमारे खिलाफ खड़ा हुआ, और अपनी तलवारों से काफिरों को सबक सिखा दिया। उनके पास जो था वो हम उनसे हासिल करके आपके लिए बतौर गनीमत लाए हैं। रब के हुक्म से फतह हमें नसीब हुई, और क्या होगा जबकि रब हमारी मदद कर रहा है। आपको लगता है कि वो हम पर दुनिया तंग कर सकते हैं? हाँ, अब ये सारा माल गनीमत हम बुर्सा की फतह के लिए इस्तेमाल करेंगे। ए लोगो, क्या आप राजी हैं? बिल्कुल राजी है उस्मान सरदार। आप राजी हैं क्या? हम राजी हैं उस्मान सरदार। राजी हैं आप सभी क्या? राजी हैं, हम राजी हैं। ए शुक्रिया शुक्रिया। और ये बात भी याद रखिए, हमने फतुहात की तरफ फिर से कदम बढ़ा दिए। जनाब, अपने जख्म का इलाज करने देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। मुझे इनके साथ अकेला छोड़ दीजिए, आप लोग जाएं। जहन्नुम की आग में जलोगे कुस्तंतीन, अपने बाबा के साथ मिलकर मेरे बाबा को गद्दार ठहराया, बगैर किसी गलती के उन्हें मार डाला। तुम तो अपने अंजाम तक पहुंच गए, लेकिन अब तुम्हारे बाबा की बारी, तुम्हारी जल्द उनसे जहन्नुम में मुलाकात होगी। इंतजार करो। इस बार आपने मुझे डरा दिया मेरे उस्मान। अल्लाह आपकी हिफाजत करे और मुझे किसी आजमाइश में ना डाले इंशाल्लाह।
बाला, मैंने तुम्हें बहुत याद किया। आपको जगा दिया मैंने। खूबसूरत आंखों वाली, ये बताओ जरा, तुम सोई क्यों नहीं हो? मुझे बैठी देख रही हो क्या? मैं खौफज़दा हो गई थी उस्मान, बहुत डर गई थी। अपने दिल की आग दिखा नहीं सकी, मगर मुझे साबित कदम रहना था। चलो बताओ जरा, कौन सी बात तुम्हें डरा रही है? बताओ मुझे, मेरी खातून तो इस तरह नहीं डर सकती कभी। हाँ, मैं दुश्मनों और काफिरों से बिल्कुल नहीं डरती। डरती हूँ तो आपको खोने से, और आपको बहुत ज्यादा याद करने से डरती हूँ मैं। इधर आओ मेरे पास जरा, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। उस्मान साहब का शिराजा बिखर चुका है, और सिर्फ यही नहीं, तकब्बुर ने उसे अंधा कर दिया। हमारी ताईद हासिल की? नहीं, हमारी ताकत पर कब्जा करना चाहता है वो। क्या समझता है खुद को? अब मेरी बात गौर से सुने। बाबा महमद, क्या हुआ है? ये किसने किया है ये तुम्हारे साथ? काई ने मुझे मारने की कोशिश की है बाबा। मगर ऐसा क्यों किया उन्होंने? एक औरत की बात पे यकीन करके मुझ पर इल्जाम लगाया गया है बाबा। गोकमान को कत्ल कर दिया, कानियो मास को कैद कर लिया बाबा। किसने किया ये? अलाउद्दीन बाबा।